आप सब शुभ चिंतकों का अशोक द्वारा अभिनंदन स्वागत है। कला वो चीज है जग में कभी जो खो नहीं सकती, हंसती है जो दूजों को वो आंखें रो नहीं सकती। हंसना ही खुदाई है, हंसना ही इबादत है, हंसने से बड़ी पूजा जहां में हो नहीं सकती। हर मर्ज का इलाज होता नहीं दवाखाने में, और कुछ दर्द दूर हो जाते हैं जरा सा मुस्कुराने। वो आती रही मिलती रही, हम इसी को प्यार समझ बैठे। और वो जिस दिन नहीं आई अपन उसी को रविवार समझ बैठे। मंडे को मन चला और मनचली से मेल हुआ, ट्यूसडे को ट्यूनिंग में हुई तकरार है, वेडनेसडे को चैटिंग हुई और थर्सडे को डेटिंग हुई, फ्राइडे को मॉल में खोया अपना प्यार है। ना कोई नैन लड़े, ना कोई प्रेम पत्र पढ़े, ना ही इजरार इकरार इनकार है। सैटरडे को रैकिंग हुई, संडे को ब्रेकिंग हुई, वीकेंड की क्लोजिंग में खत्म हुआ प्यार। एक एक अक्षर को नगीने की तरह से सजाया आज मैंने। लेडीज की लीला बड़ी निराली है, जब ये सास बनती हैं तो बहू अच्छी नहीं लगती, जब बहू बनती हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनती हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनती है तो ननद अच्छी नहीं मिलती, और जब ननद बनती है तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की तो वो तो आज तक कभी किसी को ढंग का मिला ही नहीं। हमेशा यही कहती हैं कि ये तो मैं हूं जो तुम्हारे साथ निभा रही हूं, कोई दूसरी होती तो कब की छोड़ के चली गई होती। मां छोड़ी सास मिली, पिता छोड़ा ससुर मिला, बहन छोड़ी ननद मिली, भाई छोड़ा देवर मिला। अरे ऐसा क्या छोड़ा जो पति मिला? जवाब मिला कुछ नहीं। तो फिर भाई फ्री में मिली चीज की कोई इज्जत कहां से होगी? सास और बहुओं की पिकनिक, दोनों सास और बहुएं पिकनिक को गईं। एक बस में सासें बैठ गईं और दूसरी बस में बहुएं बैठ गईं। इलाके में, पहाड़ी के इलाके में के पास सास वाली बस जो है वो खाई में गिर गई और सभी सासें निबट गईं। एक बहू जोर जोर से रोने लगी, पूछने पर सिर पकड़कर बोली, तुम सब तो सासू से छूट गई, मेरी सासू की तो बस ही छूट गई। एक मालकिन ने नौकरानी को डांटा, तू तीन दिन से काम पर नहीं आई, कहां गई थी? वो बोली, मैंने तो फेसबुक के ऊपर अपडेट कर दिया था कि मैं गांव जा रही हूं, और साहब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू डार्लिंग कम सून। पति पत्नी में कस के झगड़ा हो गया। पति चिल्लाया, एक दिन भी चैन से जीने नहीं देती, और ऊपर से
हर साल करवा चौथ का व्रत रख लेती है, मरने भी नहीं देती। मैंने पत्नी से कहा, मेरा एहसान मानो, जो मैंने तुम्हें बिना देखे ही शादी के लिए हां कर दी। मैडम बोली, एहसान तो तुम मेरा मानो, वरमाला के टाइम मैंने देखकर भी मना नहीं किया और मुकरी के गले में डाल जयमाला डाल दी। MBA तू है, मैं हूं जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। MBA तू है, मैं हूं जंगली बबूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। बात मेरी मान, तू है देखने में हूर, और गौर से तू देख मुझे, मैं हूं लंगूर। चांद सा है टुकड़ा तेरा मुखड़ा, कछुए के जैसा है ये मेरा मुसड़ा। तू है कोका कोला, तू है ठंडा कूल कूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। तो MBA बाल नहीं मेरे राज कपूर की तरह, गाल नहीं मेरे शब्दिश कपूर की तरह, सेहत नहीं मेरी सलमान की तरह, सूरत नहीं मेरी शाहरुख खान की तरह। जॉनी लीवर जैसा मैं हूं, तू है काजोल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। MBA आगरे का ताजमहल है तेरा बदन, और जुल्फों में तेरी मरे सैकड़ों जन। हिरनी जैसी मोटी चंचल आंखें हैं तेरी, टीबी के मरीज जैसी चाल है मेरी। तू चमेली मोगरा, मैं धतूरे का फूल, कैसे तेरा बाप मुझे करेगा कबूल। MBA मैं ये सोच कर उम्र की चढ़ाइयां चढ़ा, 50 साल का, 60 साल का हुआ, फिर 70 का हुआ, फिर 75 का हुआ। मैं ये सोच कर उम्र की चढ़ाइयां चढ़ा, शायद यहां है तू। कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूं, सुन रहा है तू, कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूं मैं। कहां है तू, कहां है तू, कहां है तू?